लेकिन भाजपा का आपने देखा कि भाजपा वाले हिसाब ही नहीं देना चाहते 10 साल में हरियाणा की। इस दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेदार है तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, और इसीलिए हरियाणा की जनता में इस सरकार के प्रति आज इतना गुस्सा है। मुख्यमंत्री को लेकर भी आपने कटाक्ष किया, आपने देखा 2 दिन पहले क्या हुआ, नायब सिंह जी फतेहाबाद गए तो उन्होंने 10 काम गिनवाए किए, 10 काम हमने किए। उन्होंने नाम लेके कहा कि दीपेंद्र जी हिसाब मांग रहे हैं, लाओ फतेह हमने ये काम किए। वो 10 काम में से मगर 7 काम कांग्रेस के ही पार्टी के टाइम के थे, हुड्डा सरकार के टाइम के थे। तो या और उसके बाद DPRO को सस्पेंड किया, जिसको हम बिल्कुल गलत मानते हैं, ये सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। अधिकारी ने तो जिले के मुख्य काम लिख के दिए जो पिछले कुछ वर्षों में हुए होंगे, लेकिन ये तो इतनी जानकारी होनी चाहिए सरकार को इस कि भाई कौन से काम उनकी सरकार में हुए, या तो इस सरकार को इतनी समझ ही नहीं है कि कौन से काम इन्होंने कराए और कौन से कांग्रेस में हुए, तो भी ये सरकार स्वयं को सस्पेंड करे किसी अधिकारी को सस्पेंड करने की बजाय, या इनके कुछ गिनवाने लायक काम ही नहीं किए इन्होंने 10 साल, ये भी सच है आपको पता है। तो ये इस बात से जो परसों हुआ है घटित, उससे आप वो प्रतीक है हरियाणा में भाजपा की जो कार्यशैली 10 साल के बाद भी हमारे काम गिनवा रहे हैं और फिर अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं, फिर भी खुद की जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, ये प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली किस तरह से ठप रही है हरियाणा के लिए। जो परसों घटित हुआ है वो उसका उसको दर्शाता है।